दिन हुआ ये कि गुज़श्ता हफ्ते साहिवाल मेडिकल कॉलेज है, उसके साथ हॉस्पिटल है, वहाँ पे आग लग गई शॉर्ट सर्किट से या किस तरीके से भी लगी। उससे 8 बच्चे दम घुटने से जिंदगी की बाजी हार गए। ये एक बहुत बड़ा सानिया था और हुकूमत पंजाब के मुंह पे पूरा का पूरा तमाचा था, पूरे महकमा सेहत के मुंह पे तमाचा था कि एक निजी अस्पताल के अंदर 8 गरीबों के बच्चे जो जिंदगी लेने आए थे वो मौत की वादी में चले गए। नाहली की वजह से आग लगी हुई थी और अस्पताल की इंतजामिया सोई रही। ये इब्तदाई रिपोर्ट जो वजीर आला पंजाब को पेश की थी उसमें कहा गया कि आग इंतजामिया की नाहली से लगी और जनाबे वाला उसके बाद जब आग बढ़ती तो अपनी मदद आपके साथ वहाँ पे चीखों पुकार की माएँ जो है वो अपने बाल नोच रही थी, अपने मुंह रोच रही थी और उन्हें उनके बच्चों को बचाने वाला कोई नहीं था। और आखिरकार मकामी लोगों ने और जो अस्पताल में मरीज के अटेंडेंट थे उन्होंने अपनी मदद की आपके तहत कुछ बच्चों की जान बचा ली और कुछ जो थे दम घुटने से 8 के करीब कहा जाता है कि बहुत वाकया है, बहुत बड़ा साथ है। इसके बाद वजीर अला पंजाब मरियम नवाज साहब ने पहला बड़ा एक्शन लिया और सॉरी इसके दूसरे रोज ही जो है वो फैसलाबाद में बड़ा वाकया हुआ, वहाँ पर भी 2 डॉक्टर्स को मुतल कर दिया गया। अच्छा, ये मुस्तली मसले का हल नहीं, ये शबाज शरीफ साहब ने मुतारफ करवाई थी अपने दौर में, तो गिरफ्तारियाँ और जैसे इमरान खान ने नाजिम मुतारफ कराए थे धरने जलाओगराओ और मारपीट और गाली गलोच की सियासत मुतारफ करवाई थी, तो इसी तरह शबाज शरीफ जब वजीर आला थे तो उन्होंने अफसरों डॉक्टरों की जो है वर्दियाँ उतारना और उन्हें मुअत्तल करना और जनाबे वाला उन्हें गिरफ्तारियाँ करवाना, ये उनका कल्चर था। इनके इमरान खान ने गराओ जलाओ का कल्चर दिया इस सूबे को और इस मुल्क को और शबाज शरीफ ने मुअत्तलियों का कल्चर दिया। अब उसके नक्शे कदम पर चलते हुए तहकीकती बताई जब रिपोर्ट पेश आई तो नो डाउट ये बहुत बड़ी नायली सामिया था और गरीबों के बच्चे जो जिंदगी लेने आए थे बहुत शुरुआती में चले गए। इसका जो भी जिम्मेदार है उसको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अगर हुकूमत जिम्मेदार है तो उसको कौम के सामने आके माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर महकमा सेहत की नाहली है तो उनको भी कटहरे में खड़े करना चाहिए। अगर वहाँ के प्रिंसिपल और एमएस की गलती है तो उनको भी जेल से नहीं चलाना चाहिए था, अंदर ही रहने देना चाहिए था। अब उसके बाद एक नर्स को भी मौका पर जो है वो वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहब अपना पहला एक्शन लेने के लिए वहाँ पे पहुंची साहिवाल हॉस्पिटल में और वहाँ उन्होंने जाते ही बड़ा एक्शन लिया, बड़ा एहतजाज हुआ। उनके रोड जो के जाने से पहले अस्पताल के दरवाजे बंद कर दिए गए, डॉक्टर पैरा मेडिकल स्टाफ प्रेशर डेवलप करने के लिए कि मरियम नवाज जो है वो प्रेशर में आ जाएंगी और वहाँ पर नर्स वाला उन्होंने अल्लाह गुल्ला किया। मरियम नवाज साहब को वापस निकाल दी पुलिस, उसके बाद उन्होंने हुक्म दिया कि गिरफ्तार कर लिया जाए। तो उसके बाद वहाँ पर अहली का जिम्मेदार करार देते हुए प्रिंसिपल जो साहिवाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के प्रिंसिपल थे वो भी एक प्रोफेसर थे, टीचिंग कैडर से मुतल्लिक था प्रोफेसर इमरान हसन, उनको गिरफ्तार करा दिया गया। उसके बाद एक और प्रोफेसर हैं जो MS है वहाँ के प्रोफेसर अख्तर महबूब, उनको भी गिरफ्तार करा दिया गया और एक AMS थे डॉक्टर उस्मान और डॉक्टर उमर, उनको भी गिरफ्तार कर दिया गया और एक नर्स को भी गिरफ्तार किया गया, साथ में मुअत्तल भी किया गया। अच्छा, इस के खिलाफ जो यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन है इसकी अपील पर यानी कि तमाम प्रोफेसर कमों गुस्सा पाया जाता था कि प्रोफेसर को हाथ करिए क्योंकि प्रोफेसर जो है ये एक ऊपर वाली मखलूक है तो ये जो मर्जी करें तो साथ खून माफ होने चाहिए। तो इसके खिलाफ YDA PMA प्रोफेसर यानी कि पंजाब टीचर्स जो मेडिकल टीचर एसोसिएशन है वो और पैरा मेडिकल स्टाफ नर्सिंग स्टाफ तमाम इकट्ठे हो गए, मिस्टर का मीटिंग हुई जिसके बाद अस्पतालों में आउटडोर बंद कर दिए गए। आज आउटडोर की बंदिश का 6 रोज है, तमाम अस्पताल जो है पंजाब के जो टीचिंग अस्पताल हैं उनके आउटडोर बंद है। जब आउटडोर बंद हो तो मरीज दाखिल नहीं हो सकते, उनका चेकअप नहीं हो सकता और बड़ी बड़ी तकलीफ में मरीज जो है वो दर्जन हो उनका पता ही नहीं चलता, वो मौत की वादी में चले जाते हैं। तो इसका इनका खून जो है वो किसके सारा है, जाहिर है कि अगर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब ये कह सकते हैं कि फलां दरिया के किनारे एक भेड़ का बच्चा भी प्यासा मर जाए तो उसका उम्र जिम्मेदार है उम्र, तो इस तरह अगर 8 बच्चे मर गए थे तो जाहिर है उसका खून जो है नाक खून वहाँ के प्रिंसिपल के सारे हैं, MS के सारे हैं और हुकूमत वक्त के सारे हैं, क्योंकि हुकूमत वक्त जिम्मेदार होती है। अब उस मुअत्तलियों के खिलाफ और गिरफ्तारियों के खिलाफ प्रोफेसर को आप करिए क्यों चाहिए, पूरे पंजाब के टीचिंग अस्पताल के आउटडोर बंद
और बड़ा ही बुरा हाल है ना जी, और हुकूमत अभी तक उनसे मुजाकरा नहीं कर। सर देखिए देखिए वजीर अला पंजाब साहबा आप बड़ी सूझी हुई हैं, आप खादम आला की भतीजी हैं और नवाज शरीफ साहब जो मुल्क को एशिया का टैगर बनाना चाह रहे थे और कई दफ़ा उन्हें रोका गया, आप उनकी बेटी हैं, तो हर मसले का हल जो है आपके आपके खानदान पर मरियम साहबा जब बड़ा बुरा वक्त आया तो आखिरकार मसले का हल निकला, मिसाक जमहूरियत से निकला, टेबल टॉक से निकला, मुजाकरात से निकला, एकदम जो है ना वो अब मुजाकरात की तरफ आपके पास पूरी टीम है, आपके पास चीफ सेक्रेटरी बैठे हैं, आपके पास मंझे हुए अली खान बैठे हैं जिनसे आप बात करती हैं और करना भी चाहिए क्योंकि वो एक जो है वो एक कॉम्पिटेंट ऑफिसर है। अगर कि अली जान के खिलाफ भी आजकल बहस गर्म हो गया है, इस पर भी कभी बात करेंगे, लेकिन आज हमने बात करनी है साहिवाल मेडिकल कॉलेज से, वहाँ पर क्या हुआ रही बात। अच्छा हुकूमत ने आखिरकार कल जो गुजरा है इसमें जो खामोशी थी वो तोड़ दी और बाहर आ गई, ठीक है बाहर आ गई हुकूमत आप से। कल एक बड़ा अहम अजलास हुआ लाहौर के अंदर, उस अजलास में ऑनलाइन अजलास था, यानी कि जो ऑनलाइन आजकल कल्चर एक मुतारफ हो गया है कि ऑन कैमरा अजलास था, उसमें दो वज़राए आला दो वज़राए सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर बड़े मशहूर हुए वज़ीर हैं और बड़े तजर्बाकार वज़ीर हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के वज़ीर हैं, वो शरीक हुए। उसके बाद सलमान रफीक स्पेशलाइज हेल्थ के वज़ीर हैं, वो शरीक हुए, अली जान साहब शरीक हुए, तमाम टीचिंग जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके जो प्रिंसिपल्स हैं वो शरीक हुए, एम एस हजरात शरीक हुए, बहुत सारे प्रोफेसर शरीक हुए और तमाम कंसर्न जो लोग थे उनका एक अकाउंट हुआ ऑनलाइन। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जनरल अस्पताल के एक डॉक्टर को सख्ती भी आती है क्योंकि उन्होंने कैसा लगाया था जब ख्वाजा इमरान नज़ीर खताब कर रहे थे, तो वहाँ जो फैसला हुआ वो ये पहले तो तजावीज ली गई कि क्या करना चाहिए, ये वाइडीए क्यों हड़ताल खत्म नहीं करवा रही और क्यों हड़ताल कर रही है, ये कानून के दायरे में क्यों नहीं आ रहे, तो उस पर बारी बारी तीनों शख्सियात ने खताब किया। अपने खताब में जब ख्वाजा इमरान नज़ीर थे तो बरसे और खूब बरसे, उन्होंने कहा कि मैं उन्होंने अपने किताब में डॉक्टर को बजार धमकी भी दी और प्यार भी किया, उन्होंने कहा कि ये हमारे बच्चे हैं इनको राय रास्त पे आ जाना चाहिए, हड़ताल खत्म कर देनी चाहिए, साथ साथ उन्होंने कहा कि हड़ताली डॉक्टर जो है धमकी देते हुए कहा कि ये बाज आ जाए हड़ताल खत्म कर दें, उन्होंने पीर यानी कि कल तक की डेडलाइन भी दी कि अगर वो ना आए तो कानून अपना रास्ता बनाएगा और फिर हम देखेंगे। उन्होंने कहा ना नजीर साहब ने कहा कि देखें अब ये डॉक्टर भूल दिए कि जो हम एक्शन लेंगे वो हम वापस नहीं लेते, क्योंकि ना जी ये एक हिस्ट्री है कि पंजाब हुकूमत जब एक्शन लेती है हड़तालियों के खिलाफ तो फिर जब उनसे प्रेशर डेवलप होता है तो जब 500 बंदा मर जाता है एमरजेंसी बंद हो जाती है तो फिर क्या हालात है मुजाकरात का। बाजी में भी उस वक्त वाईडीए के सदर आमद भट्ट हुआ करते थे और उसके साथ आमर बंदेशा थे और आजकल असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सर्जरी के में हॉस्पिटल में डॉक्टर